नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने बेसिक्स हैं और इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपका प्रिपरेशन बेटर चल रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक्स रिवाइज भी हो जाएगा और आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच इज़ नॉट अ बेसिक BJT एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, BJT 3 टर्मिनल डिवाइस है, बेस एमिटर कलेक्टर, तो हम उसी की सिर्फ बायसिंग कर सकते हैं। ये जो ड्रेन है दोस्तों, ये MOSFET का एक टर्मिनल है, तो कॉमन ड्रेन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ड्रेन जो होता है दोस्तों, वो एक MOSFET का कन्फिग्रेशन होता है। कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट एंड कॉमन सोर्स कन्फिग्रेशन होता है MOSFET के केस में। दोस्तों, BJT और MOSFET के बारे में और भी बेटर आपको जानना है तो मेरी क्लास 11 और क्लास 12 उसको आप देख सकेंगे, उसमें BJT और MOSFET के बारे में मैंने डिटेल से पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन, विच अ कन्फिग्रेशन हैज़ द लोवेस्ट करंट गेन। लोवेस्ट करंट गेन दोस्तों, कॉमन बेस कलेक्टर के केस में जो करंट गेन होता है दोस्तों, वो यूनिटी होता है, वन होता है, इसलिए इसको करंट फॉलोअर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? करंट फॉलोअर बोला जाता है, क्योंकि इसका जो करंट गेन होता है वो यूनिटी होता है और ये सबसे कम होता है। ठीक है, और अगर बात करें कॉमन कलेक्टर की, तो कॉमन कलेक्टर का दोस्तों वोल्टेज गेन वन होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन सीरीज में आपको बताया था। तो दोस्तों, इसलिए जो लोवेस्ट करंट गेन होता है वो कॉमन बेस का होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, विच ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन ऑफर्स नो फेज रिवर्सल एट द आउटपुट, मीन्स आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज रिवर्सल नहीं होता। मैंने ये बताया था आपको कि कॉमन इमीटर के केस में जो आउटपुट होता है वो इनपुट से दोस्तों आउट ऑफ फेज होता है बाय 180 डिग्री। इस पॉइंट को आप याद रखिए, आउट ऑफ फेज होता है, आउट ऑफ फेज होता है मीन्स 180 डिग्रीज होता है, क्योंकि तो आप देखेंगे सिर्फ कॉमन इमीटर दोस्तों ऐसा है जिसके केस में आउटपुट वोल्टेज हमारा नेगेटिव समथिंग करके आता है, और इसका वोल्टेज गेन भी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आना मीन्स दोस्तों आउट ऑफ फेज होना, या फिर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना इनपुट से। लेकिन अगर बात करें हम दोस्तों कॉमन बेस की और कॉमन कलेक्टर की, तो इनके केस में कोई भी फेज रिवर्सल नहीं होता, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव में ही आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन ऑफर्स नो फेज रिवर्सल एट द आउटपुट। तो दोस्तों, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कोई भी फेज रिवर्सल नहीं देता, इसका जो आउटपुट फेज होता है इनपुट फेज के इन फेज होते हैं, आउटपुट और इनपुट्स इन फेज में होते हैं, आउटपुट आउट ऑफ फेज सिर्फ और सिर्फ कॉमन इमीटर के केस में होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, RC कपलिंग इज यूज फॉर किसके एम्पलीफिकेशन के लिए RC कपलिंग का यूज होता है। तो दोस्तों, मैंने कपलिंग के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन किया है आपको प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में, आप उसको जाकर के देख सकेंगे। तो वोल्टेज के लिए यूज होता है RC कपलिंग। RC कपलिंग यूज फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए दोस्तों यूज होता है RC कपलिंग। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एन अमीटर आइडल रेजिस्टेंस शुड बी, अमीटर के केस में जो आइडल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा तो इसका आंसर दोस्तों 0 होगा, ये आपको भी पता होगा, या फिर बहुत कम होना चाहिए अमीटर के केस में आइडल रेजिस्टेंस। दोस्तों, PMMC इंस्ट्रूमेंट्स को अमीटर बनाने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, जनरली एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में उस PMMC के पैरेलल में एक, जैसे कि आप देखेंगे ये अगर मीटर है तो यहाँ से मीटर करंट आ, इसके पैरेलल में एक मीटर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, RM जिसे बोलते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अमीटर बनाने के लिए पैरेलल में एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, PMMC इंस्ट्रूमेंट को अमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो अमीटर बन जाता है। और उसी को अगर दोस्तों वोल्ट मीटर बनाना होता है तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में दोस्तों एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं PMMC को एज अ वोल्ट मीटर बनाने के लिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो आइडल केस अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अ ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट यूज्ड, कौन सा लोड यूज करता है। दोस्तों आपने देखा होगा ट्यून्ड एम्पलीफायर के केस में वो जनरली एल और सी सर्किट का यूज करता है, या इसे एल सी टैंक भी बोलते हैं, लोड एज अ लोड इसको एल सी टैंक को यूज करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन ओवर मिड फ्रिक्वेंसी रेंज इन आर सी कपल्ड एम्पलीफायर, आर सी कपल्ड एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने दोस्तों कपलिंग के बारे में आपको बताया तो आर सी कपलिंग एम्पलीफायर के आपने केस में देखा होगा तो ये कुछ इस टाइप का इसका यहाँ पे ये वोल्टेज गेन, ये इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स था। तो दोस्तों इसको हम लो फ्रिक्वेंसी रेंज बोलते हैं, इसको हाई फ्रिक्वेंसी रेंज बोलते हैं और इसको मिड फ्रिक्वेंसी रेंज बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज है दोस्तों यही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, वोल्टेज गेन ओवर मिड फ्रिक्वेंसी रेंज इज एन, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में ये कांस्टेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके लो फ्रिक्वेंसी पे ये जो वोल्टेज गेन है वो क्यों घटता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका वोल्टेज गेन क्यों घटता है। तो दोस्तों लो फ्रिक्वेंसी पे इसका जो वोल्टेज गेन घटता है वो लार्ज कैपेसिटर्स के कारण घटता है। जो लार्ज कैपेसिटर्स होते हैं वो बायसिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स होते हैं जिसके कारण ये हमारा फ्रिक्वेंसी क्या होता है, घटता है। अगर ये बात करें हाई फ्रिक्वेंसी की तो हाई फ्रिक्वेंसी पे क्यों घटता है दोस्तों हमारा गेन, वो हमारे ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस के कारण घटता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है उसके कारण ये घटता है हाई फ्रिक्वेंसी पे। ये स्मॉल कैपेसिटेंस के कारण घटता है हाई फ्रिक्वेंसी पे और लार्ज कैपेसिटेंस के कारण घटता है स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे। इसका मैं रिलेशन आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा कैपेसिटेंस इक्वल्स टू हो जाएगा अगर उसको इंडक्टिव फॉर्म में लिखें तो 1/ωC या फिर 1/2πfC। ठीक है, अगर एफ को वहाँ 1/ωC अगर दोस्तों एफ को वहाँ पे लेके जाया जाए तो FXC इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2πC। तो यहाँ पे एक रिलेशन दोस्तों ये बन रहा है, अगर C की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ठीक है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, या C की वैल्यू कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स जो हमारे फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है, हम उसको वेरिएबल कैपेसिटेंस के थ्रू उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट एक क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है तो फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है। इस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोस्तों लगाइएगा इसको याद करने में कि लो फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा गेन है वो घटता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कैपेसिटेंस जो कि बाईपास और कपलिंग कैपेसिटेंस होते हैं उसके कारण घटता है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे जो घटता है दोस्तों वो ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस के कारण घटता है। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है इवन गेट IES तक के एग्जामिनेशन में। तो अगला क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड, जब नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक अप्लाइड होता है तो उस केस में जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंक्रीज होता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जब लगाएंगे तो दोस्तों इनपुट जो रजिस्टर इम्पिडेंस है वो इंक्रीज होता है और आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये पॉइंट मैंने जब बाईपास कैपेसिटेंस या विदाउट बाईपास कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट बता रहा था कॉन्फ़िगरेशन BJT कॉन्फ़िगरेशन में, तो उस पर भी मैं ये पॉइंट क्लियरली मेंशन किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर कपलिंग किसके लिए बेसिकली यूज होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर कपलिंग बेसिकली मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, और उसका जैसे कि RC कपलिंग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, वैसे सेम मैनर में ट्रांसफार्मर कपलिंग दोस्तों पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, इसको आप याद कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द ऑपरेटिंग पॉइंट इज जनरली लोकेटेड एट, ऑपरेटिंग पॉइंट जनरली कहाँ ऑन द DC लोड लाइन इन क्लास ए एम्पलीफायर। अगर क्लास ए एम्पलीफायर की दोस्तों बात करें तो मैंने ये बताया था आपको कि परफेक्ट ऑसिलेशन के लिए, किसी भी एम्पलीफायर सर्किट के परफेक्ट ऑसिलेशन के लिए जो DC लोड लाइन होता है उसको मिडल में ही होना चाहिए। दोस्तों मिडल में होने के ये फायदे हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो ये टोटल आउटपुट सिग्नल आपको अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल के फॉर्म में मिलता है,
लेकिन अगर आप बात करें डीसी लोड लाइन पे, ये आपका जो लोड लाइन है वो कुछ इधर अगर नीचे आ जाता है या फिर ऊपर आ जाता है, तो इस केस में आप देखेंगे जो आपका सिग्नल होगा दोस्तों, वो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये इसका यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रहा है, इतना पार्ट सिग्नल का डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो इस सिग्नल को डिस्टॉर्शन से रोकने के लिए जो डीसी लोड लाइन होती है दोस्तों, उसको मिडल में ही होना चाहिए। उसी मिडल को सेट करने के लिए हम लोग बायसिंग करते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करते हैं, ताकि जो डीसी लोड लाइन है वो मिडल में रह सके और कोई भी डिस्टॉर्शन ना आ सके। इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा मिडल में होनी चाहिए अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कौन सा होता है? जैसा कि आपने आपको पता होगा कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के केस में जो वोल्टेज गेन होता है वो 1 होता है, इसलिए दोस्तों उसको वोल्टेज फॉलोअर भी बोला जाता है। तो 1 दोस्तों सबसे कम है पूरे वोल्टेज पूरे सभी कन्फिग्रेशन का, सबसे कम लोवेस्ट है वोल्टेज गेन वो कॉमन कलेक्टर का होता है, जो कि यूनिटी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लो वोल्टेज गेन्स के भी नाम से इसको हम जान सकेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, टू एम्पलीफाई डीसी सिग्नल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूजेज वॉट कपलिंग। किस टाइप का कपलिंग यूज होगा डीसी एम्पलीफायर डीसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए? तो दोस्तों मैं आपको ये बताया था डायरेक्ट कपलिंग और आरसी कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग में, कि डीसी डायरेक्ट कपलिंग के केस में जो हमारा आउटपुट और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है, गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो हमारा गेन होता है वो स्टेबल हो जाता है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे ही। किस पे? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे। और आपको पता है डीसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो डीसी आप देख रहे हैं 0 फ्रीक्वेंसी पे भी जो हमारा गेन है वो स्टेबल हो जा रहा है। तो इस केस में हम डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए डायरेक्ट कपलिंग का ही यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज एडेड। जब नेगेटिव फीडबैक ऐड होता है तो गेन क्या होगा? ऑब्वियस है दोस्तों, रिड्यूस होगा। वो रिड्यूस क्यों होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा नेगेटिव फीडबैक के केस में जो हमारा गेन आता था वो जी अपान 1+GH आता था। नीचे दोस्तों 1+GH है, मीन्स इसकी वैल्यू एटलीस्ट इससे बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे हमारा गेन क्या होगा? रिड्यूस होगा। लेकिन अगर बात करें हम पॉजिटिव फीडबैक की, तो ये वैल्यू आती थी 1 माइनस जी एच। दोस्तों ये आती थी 1 माइनस जी एच। तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस जी एच मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर काफ़ी छोटी क्वांटिटी है मीन्स इसका जो टोटल गेन होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों नेगेटिव फीडबैक के केस में जो आपका गेन होता है वो रिड्यूस होता हो जाता है। दोस्तों एम्पलीफायर के केस में जो फीडबैक फैक्टर्स रखते हैं वो हमेशा लेस देन 1 रखते हैं, ठीक है, हमेशा लेस देन 1 रखते हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्लास सी ऑपरेशन कैन हैव। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो क्लास सी एम्पलीफायर होते हैं वो हाईएस्ट एफिशिएंट एम्पलीफायर होते हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो 100% होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। सबसे एफिशिएंट जो एम्पलीफायर होता है वो क्लास सी टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं, जिनकी एफिशिएंसी 100% होती है। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट एफिशिएंट एम्पलीफायर है और इसकी एफिशिएंसी 100% है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एन ऑसिलेटर एम्प्लॉय। ऑसिलेटर में किस टाइप का फीडबैक यूज होता है? दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो 0 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, तो इस टाइप के फीडबैक को दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक बोला जाता है। और यही हम दोस्तों ऑसिलेटर में चाहेंगे भी कि आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो 0 डिग्री या 360 डिग्री हो। और अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें दोस्तों, तो उस केस में जो आउटपुट और इनपुट के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑसिलेटर जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक यूज करता है, और एम्पलीफायर जो होता है दोस्तों वो नेगेटिव फीडबैक यूज करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा,
एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक यूज करता है, ऑसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक यूज करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।